सकते हैं कि आज रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन किया गया। हमारे बीच में पूर्व पार्षद साहब भी है जी, बताएं कैसा लग रहा है जब सरकार की इतनी अच्छी योजना है, क्यों ना लोग ये जुड़े ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में। लोग तो बहुत जुड़ रहे हैं, मगर वर्क मिले जब है ना, वर्क काम मिल तो कर रहे हैं, आके बनवा भी रहे हैं, और अगर ये काम मिलता है तो इनको और ज्यादा अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा इनको। वार्ड नंबर 8 में जो शिविर, वार्ड नंबर 8 में जो 8 में भी शिविर लगा था, उसमें भी करीब 200-250 इंसान आए थे, और काफी लाभान्वित हुए, और अब काम वर्क मिल जाए उनको वहाँ पे तो वो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, आप क्या जॉब कार्ड बना रहे? तो जॉब कार्ड बनने के बाद क्या करना होगा इन यहाँ की महिलाओं को, क्या काम करना है? काम बनने के बाद नगर परिषद जो काम कार्य बताएगी उसको 100 दिन तक पूरा करेंगे वो, अगर 100 दिन करवाएंगे और 100 दिन पूरा करेंगे तो उसके बाद उनको लाभ मिलेगा। अच्छा लाभ है, लाभ अच्छा है उनको, 250 रुपया तो रोज मिलेगा, उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई का फैसिलिटी मिलेगी, मकान की फैसिलिटी मिलेगी, अगर ये कार्य पूरा करते हैं तो बहुत कुछ मिलेगा। तो आज कितनी संख्या में लोग आने वाले हैं, कहाँ कहाँ प्रचार किया? आ सकते हैं, हमने पूरा माइक द्वारा ऐलान कर दिया है, और पूरा वार्ड जो गरीब बस्ती है वो सब आ जाएगी, पार्क आ जाएगी गरीब नगर। ऐसे शिविर जब लगते हैं आप भाग लेते हो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा क्यों नहीं लगेगा, अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ताकि ये लोगों को ज्यादा ज्यादा लाभान्वित करवाना। देख सकते हैं कि आज वार्ड नंबर 6 में आज शिविर आयोजित किया जा रहा है, स्वयं पार्षद जी मौजूद यहां पे है, पूर्व पार्षद जी यहां पे मौजूद है, और धीरे धीरे यहां क्षेत्र की जनता जो है वो धीरे धीरे आएगी और अपना अपना जॉब कार्ड बनवाएंगे, कुछ लोग पहुंच भी चुके हैं। तो ई श्रम कार्ड के लिए अब देखो लाइन पद्धति भी चालू हुई है, उन्होंने बनाया है और अभी काम के लिए जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद ही इनको लाभान्वित होंगे, ताकि इनको हर चीज फैसिलिटी, बच्चों की फैसिलिटी, अपने आप इनको समझाइए कि क्यों ना काम करें, काम करना जरूरी है, काम तो करना होगा, काम तो करना पड़ेगा आपको, इसीलिए तो कार्ड बना है, कार्ड बनाने से क्या फायदा, जो भी काम है आपको आपके द्वारा काम है।